चलो काला कद्दू, भूतनी भगाने का मंत्र स्टार्ट करो। टकला नेता का देह से भूतनी को भगाओ। कितनी बेचैन हो के टकले से मिली, टकले को थी क्या खबर भूतनी कितनी अकेली। अरे तुम भूतनी भगा रहा है कि भूतनी को हमारे पास बुला रहा है? क्या बकबक रहा है? ये कमंतर है। अरे टकला बीच में मत बोलो, भूतनी नहीं तो तुम्हारा देह छोड़ कर नहीं जाएगी। जब एक बाबा मंत्र पढ़े तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। अभी भूतनी रोमांटिक मूड में है इसीलिए बाहर नहीं आ रही है, अंदर छुपी हुई है। तुमने अंदर किसी कोने में उसको बुला रहे हैं लव का गाना गाकर। अरे एक मिनट, भूतनी तुम्हारे बारे में कुछ सिग्नल दे रही है, कुछ कहना चाहती है, सुनते हैं क्या बोलती है। अरे हाँ, बताओ क्या बोल रही है भूतनी हमारे बारे में? कह रही है टकला को हम ब्याह कर ले जाना चाहते हैं, काहे कि उसका दूल्हा भाग गया था ना, ये एक दुल्हन की भूतनी है, तुम्हारे पीछे पड़ी है। अरे क्या, ये भूतनी दुल्हन का भूतनी है, ये हमसे क्या शादी करना चाहती है? हम तो इसका बाप का उम्र का होंगे ना। देखो टकला, तुमको गलत फहमी हो गया है, तुमसे छोटी होती तो हम शादी कर लेते, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता भूतनी से करें या किसी से भी शादी करें, शादी करने से मतलब है हमको। लेकिन वो तुमसे बड़ी है, समझो तुम्हारी चाची की उम्र की है, तुम उसको पसंद आ गए हो। अब भूतनी को क्या पसंद आए कौन कह सकता है, तुम आ गए पसंद, हम लोग क्या करें। टकला पता नहीं कैसे पसंद कर लिए भूतनी। अरे मजाक मत करो, तुम मजाक कर रहा है, हमको पता है तुम बहुत मजाक करता है। जल्दी से भूतनी को भगा हमारा देह से, मंत्र पढ़ो। देह में साबुन लगा के निकला के वल झाक, भाग भाग भाग, भूतनी टकले के कच्छे से तू जल्दी निकल के भाग 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 भाग, डीके बोल डीके बोल डीके बोल, भाग भाग डीके बोल डीके भाग। अरे क्या बकबक कर रहा है तुम, हाँ क्या बकबक कर रहा है गोरा कद्दू? ये भूतनी को कहाँ से भागने के लिए बोल रहा है, तुमको और कोई रास्ता नहीं मिलता है? कच्छे से कहाँ भागेगी हमारा भूतनी? अरे अब तुम शरीर में कोई कपड़ा ही नहीं पहना है तो भूतनी निकल के कहाँ से भागेगी, कच्छाई में से ना भागेगी जो पागल, काहे कि और कहीं तो भूतनी दिख नहीं रही है, तुम्हारा कच्छाई में छुप के बैठी होगी। अरे चुप करो तुम, तुम लोग का कोई मंत्र तो नहीं आता है, तुम लोग पागल पंथी कर रहे हैं यहाँ पे आके। अरे पागल तो तुम है, भूतनी आई है भूतनी आई है, भूतनी उतनी कुछ नहीं होता है, इसीलिए हमारे काला कद्दू तुमसे मजाक कर रहे हैं। ये बात अलग है, हम लोग मंत्र सीख के आए, अगर होती भूतनी तो सही वाला मंत्र पढ़ते, लेकिन कोई भूतनी उतनी नहीं है, तुम पागल है, तुमको बहम हुआ है। अरे तुम दोनों पागल है, तुम लोग को बहम हुआ है, भाग यहाँ से पगला सब, भूतनी भगाएंगे भूतनी भगाएंगे, हम लोग को भूतनी भगाने आता है, तुम लोग को कुछ नहीं आता है, निकलो यहाँ से नहीं तो जूता मार के देह में लाल कर देंगे तुम लोग का। ये गोरा कद्दू जो बोल रहा था कि भूतनी हमारा कच्छा के अंदर बैठी है छुप के, कहीं सही में तो नहीं भूतनी हमारा कच्छा में बैठी है, कहे कि हमको भी भूतनी कहीं दिख नहीं रही है। एक काम करते है, नहा के आ जाते हैं और कच्छा के अंदर साबुन भी लगा लेते हैं और कच्छा भी बदल देते हैं, कहीं भूतनी भाग जाए। इधर चली मैं उधर चली, जाने कहां मैं किधर चली, अरे फिसल गई, ये तूने क्या किया, ये तूने क्या किया। अरे जो भी किया अच्छा किए, कच्छा भी कोई छुपने का जगह होता है, अच्छा किया साबुन लगा झाक में फिसल गई तुम, अब हमारा देह में मत आना, निकले यहाँ से। अरे हम टाइम से आए होते तो हमको तुमरे जैसा
और एक मिनट, ऐसे भी भूतनी का कोई दूल्हा होता है क्या? और अगर तुम्हारा दूल्हा भी भूत है तो क्या भूत कभी नहाता है? जो बोल रही हो नहाने में लेट हो गया। वो तो हमारे पिताजी उसके साथ जबरदस्ती हमारी शादी करवा दिए, तो अब हमको उसके साथ रहना पड़ रहा है, नहीं तो हमारा दिल तुम्हारे जैसे हैंडसम के लिए ही धड़कता था। अच्छा वो सब बाद में बात करेंगे, पहले ये बताओ हमको कि तुम टकला के शरीर से निकली कैसे? हमारा मंत्र से निकली क्या? वो भी मंत्र हमारा सही था क्या? नहीं, हम तुम्हारे मंत्र से नहीं निकले हैं। वो जो तुम्हारा भाई टकला ने ताको देह में साबुन लगाने बोला था ना, तो सच में लगा दिया और वो अपना कच्चा भी लगा दिया, तो बस हम झाक में फिसल गए। ऐसे भी तुम टकला ने ताको बोला था कि तुमको सिर्फ शादी करने से मतलब है, चाहे कोई भी हो, तो हम भूतनी है, हमसे करो शादी। अरे नहीं नहीं, वो तो हमको ज्यादा बोलने का आदत है, बकवास बकवास में बोल दिए होंगे, इसका मतलब थोड़ी ना कि हम आपसे सही में शादी करेंगे। भूतनी से कभी कोई कार्टून शादी करता है बताइए? अरे दुल्हन नारंगी, तुम यहाँ इस काला कलूठा से क्या बतिया रही हो? हम तुम्हारे इंतजार में मौसम्बी भी नहीं खाए और तुम इससे बतिया रही हो? अरे काला कलूठा, कहे हमारा पत्नी को छेड़ता? अरे जानता है हम कौन है? इसका दूल्हा और ये मेरी दुल्हन। और एक बात तुमको बता दे इन्फॉर्मेशन के लिए, कि खबरदार जो हमारी पत्नी को छेड़ा, हम दोनों भूत है। पहले तुम जैसा लफंगा लोग जिंदा लोग को छेड़ता था, अब भूतनी को भी छेड़ने लग गया। अरे हम नहीं छेड़ रहे यार, तुम्हारी भूतनी हमको छेड़ रही है, बोल रही है शादी करो, तुमसे मजबूरी में शादी हुआ था इसका, हमको कोई शौक थोड़ी ना भूतनी लोग को छेड़ने का, पगला हो क्या जी तुम? अरे अच्छा नारंगी, क्या हो रहा है हमारे पीछे? तुम सुधरोगी नहीं, तुमको हम बताते हैं, घर चलो मेरे साथ। अरे ये तो यही भूतनी है, यही भूतनी थी काला कद्दू जो रात में हम कल देख रहे थे, हमारा देह में आ गई थी। हम तुम दोनों को नहीं छोड़ेंगे, कड़िया और टकला, तुम दोनों के चक्कर में मेरा पूरा कोल खुल गया, आज रात हमको मेरा पति नहीं छोड़ेगा। अरे हाँ हाँ जा जा, बहुत बढ़िया हुआ, तुमको तो लात लगना ही चाहिए, दूसरे का देह में घुसती हो। अरे बहुत खुश हो रहा है ना टकला, तुम्हारी जिंदगी में खुशी बस कुछ ही देर की मेहमान है, याद रखना तुम इस भूतनी से पंगा लिए हो। अरे हाँ जा जा, देख लेंगे क्या करती हो, अब दोबारा आई ना तो साबुन के जगह महंगा वाला शैम्पू लगा के तुमको निकाल देंगे, समझी? मर जाओगी, काहे कि अब हमको पता चल चुका है तुमको भगाने का उपाय, तुम झाक में फिसल जाती हो ना, देखना अब तुम।